मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि उम्मत मुसलमा पर फर्ज है कि बैतुल मुकद्दस को यहूदियों से आज़ाद करवाए। कराची में हरमत अक्सा कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि आज के इज्तमा का पस मंजर ये है कि हमास की तरफ से जहाद का आगाज हुआ। उन्होंने कहा है कि इस वक्त वतन अजीज में जल्द से जलूस और रैलियां निकाली गई। मैं देख रहा था कि रफ्ता रफ्ता ये मसला धीमा पड़ता जा रहा था। हमने सोचा सबसे पहले उलमा को जमा करके गुजारिश की जाए कि इस मसले को जिंदा रखें। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि आलम इस्लाम में बहुत से जमीनों पर गैरों का कब्जा है। यह मसला जमीन का नहीं ना इस बात का है कि गैरों ने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि असल मसला बैतुल मुकद्दस का है, फलस्तीन का मसला मस्जिद अक्सा का है, ये मसला हमारे कबला अवल का है। उम्मत मुसलमा पर फर्ज है कि इसे यहूदियों से आजाद करवाए।